इसकी खास बात है कि मैंने इसे आटा गूंथ कर नहीं बनाया है, इसे मैंने बैटर से बनाया है। ये देखिए इस तरह के बैटर से हम आज ये अनियन पराठा बनाएंगे। बिना आटा गूंथे बिना बेले हुए हम ये पराठा बना सकते हैं। एकदम सॉफ्ट टेस्टी पराठे बनते हैं इस तरह से। बहुत ही इजी है रेसिपी दोस्तों, बिना मेहनत के 10 मिनट के अंदर झटपट हम ये पराठे बना सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना अनियन पराठा बैटर से। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए बैटर बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें मैं ले रही हूँ होल व्हीट फ्लावर या आटा, गेहूं का आटा। तो पहले हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे एक बोल में। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक या आधा टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। आधा टीस्पून हम डालेंगे कलौंजी और अजवाइन, यहाँ मैंने ये दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है और आधा टीस्पून ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एक छोटा ऑनियन बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो ऑनियन यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, प्लेन पराठा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पर पहले। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से आटे में मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से बैटर स्मूथ बनेगा, इसमें लंप नहीं आएंगे, ये देखिए। और आधा कप पानी मैंने लिया है यहाँ पे और इसे भी इस तरह से आटे में मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की बनानी है, ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। हर आटा अलग अलग होता है, कोई आटा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है, कोई कम करता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे 1 कप आटे में मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है, मतलब 1 कप और आधा कप पानी मुझे लगा है बैटर बनाने में। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बैटर है, ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। आप देख सकते हैं ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, इसे बनाने में हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा बैटर। इसे थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट करके, अपनी स्वाद के हिसाब से मिर्च को ज़्यादा या कम किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये तैयार हो गया हमारा बैटर, इसे हम ढककर 5 मिनट के साइड में रख देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो आइए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसे गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। इसे पहले थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे, घी या बटर या ऑयल आपके पसंद के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हम लो कर देंगे इस समय और लो फ्लेम पर हम बैटर को डालेंगे पैन में इस तरह से। ये देखिए 2 स्पून मैं बैटर डाल रही हूँ, मेरा स्पून थोड़ा छोटा है तो मैंने 2 स्पून बैटर यूज़ किया यहाँ पे। और बैटर को अच्छे से पैन में फैला लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे, जब ऊपर का सरफेस ड्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। देखिए ऊपर का सरफेस ड्राई हो गया, तब हम इसे पलट देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके किनारों को इस तरह से दबाते जाएंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ऊपर वाले सरफेस पे। आप चाहे तो यहाँ बटर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी कर सकते हैं यूज़, आपकी पसंद के हिसाब से। और अब हम इसे पलट देंगे और इस साइड में भी हम घी लगा देंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा पराठा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने घी लगा दिया है और इसे इस तरह से पलट पलट कर हम पकाएंगे और इसके किनारों को हम दबाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पराठा है वो कुछ देर में फूलने लगेगा। आप देख सकते हैं दोनों सरफेस अच्छी तरह से पक गए हैं पराठे के। तो अब हम इस तरह से जब दबाएंगे तो ये पराठा फूलेगा। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो पराठा ये फूल रहा है। ये देखिए पराठा तभी अच्छे से फूलेगा जब दोनों सरफेस पराठे के अच्छे से पक जाएं। ये देखिए इस तरह से दबा दबा कर हम पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ, इसे पलट देंगे। ये देखिए ये साइड भी पराठे के अच्छी तरह से पक गया है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो पराठा है ये अच्छे से पक कर रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा एक पराठा रेडी है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। तो इसे हम निकाल कर प्लेट में रख देते हैं। लगती है इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पराठे और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ना कि आप भी इसे रोज़ बनाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। एकदम सॉफ्ट पराठे बने हैं, आप देख सकते हैं मैं इसे कितना भी मोड़ूंगी तो ये पराठे टूट नहीं रहे हैं। ये पराठे किसी चीज़ के साथ भी सर्व किए जा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। और इनकी ये खास बात है कि इन्हें कितनी भी देर आप रख दीजिए ये इसी तरह से सॉफ्ट बने रहेंगे। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।